संभल से आपको बड़ी खबर बताते हैं। नाबालिग किशोरी के अपहरण करके गैंग रेप को अंजाम दिया है एक नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो संभल से हम इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नाबालिग किशोरी का अपहरण कर गैंग रेप किया गया है। नाबालिग किशोरी का अपहरण किया गया उसके बाद गैंग रेप, इस मामले में एक नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। राजपुरा थाना इलाके का यह पूरा मामला है। तो राजपुरा थाना इलाके में एक जो घटना सामने आई है वो बेहद ही गंभीर है। संभल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक नाबालिग को पहले अगवा किया गया और उसके बाद उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। नाबालिग किशोरी का अपहरण करके गैंग रेप किया गया उसके साथ, इस मामले में एक नामजद और एक अज्ञात को खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो नाबालिग किशोरी का अपहरण कर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपराधियों में खौफ नजर नहीं आता। सीएम योगी लगातार निर्देश देते रहते हैं कि किस तरह से अपराधियों पर काबू पाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अपराधियों में खौफ नजर नहीं आता। प्रशासन का, पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नजर नहीं आता। एक के बाद एक वारदातें लगातार उत्तर प्रदेश को थर्रा रही है। राजपुरा थाना इलाके में जो मामला सामने आया है जिसके तहत एक नाबालिग का पहले अपहरण किया गया उसके बाद गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, लिहाजा इस मामले में पुलिस ने एक नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। तो राजपुरा थाना इलाके का मामला हम आपको बता रहे हैं, नाबालिग किशोरी का अपहरण किया गया है उसके बाद गैंग रेप जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया अपराधियों ने, एक नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव माथुर हमसे जुड़ गए हैं। अभिनव, पूरा क्या मामला था? लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन शक्ति के माध्यम से, इसके साथ ही अलग अलग योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और इसके साथ ही उन्होंने अपराधियों को कड़े निर्देश भी दिए। यहां तक कि उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि राम नाम सत्य की यात्रा निकाल दी जाएगी, लेकिन बावजूद इसके अपराधियों में खौफ नजर नहीं आता। देखिए बिल्कुल राहुल, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ समय समय पर अपराधियों को बिल्कुल खुली बिल्कुल हिदायत भी जो देते हैं कि अगर किसी ने भी अगर अपराध करने की कोशिश की तो कहीं भी उसको बख्शा नहीं जाएगा, और अगर इससे ज्यादा अगर जो कहीं ना कहीं अगर पुलिस से मुचेटा करने की अगर अपराधी कोशिश करेंगे तो उसका जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके संभल के जो रजपुरा थाना इलाके में एक किशोरी को जो है घर से उठा करके युवकों ने पहले उसके साथ जंगल में ले जाकर के गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, और उसके बाद जब परिजन उसके जो है उसको वहां से जो लेकर के आए तो किशोरी ने जो है अपने आप बीती जो घटना उसके अपने परिजनों को बताई, उसके बाद जो परिजनों की तहरीर के आधार पर जो है पुलिस ने रजपुरा थाना पुलिस ने अब जो आरोपी हैं उसमें एक आरोपी युवक और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उसमें एक आरोपी को आनंद फानंद में पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। लेकिन इसी के साथ अगर पुलिस अधिकारियों की माने तो पुलिस अधिकारियों का कहना यह है कि अभी तक इस घटना के दौरान जो है दुष्कर्म की वारदात जो सामने आई है, लड़की के जो पीड़िता के जो बयान है उसके आधार पर जो है दुष्कर्म की बात सामने आ रही है, लेकिन इसके जो 164 के बयान होंगे पीड़िता के वो जो कोर्ट में जो कराए जाएंगे, कोर्ट में 164 के बयान कराने के बाद जो भी जो बयान जो सामने आएंगे उसके बाद जो अगली जांच अगली कार्रवाई जो पुलिस जो है रजपुरा थाना पुलिस जो करेगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो इस मामले में पुलिस ने जो तुरंत घटना सामने आने के बाद आनंद फानंद में मुकदमा दर्ज किया है पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें तो राहुल बिल्कुल जो है आप जिस तरह से जो कह रहे थे कि समय समय पर जिस तरीके से अपराधियों को जो है सख्त हिदायत दी जाती है, सख्त चेतावनी दी जाती है, लेकिन बावजूद इसके लगातार जो है वारदातें सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं अपराधी जो है लगातार जो है सामना करते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं।